तो देखो भाई लोग, लास्ट मंथ दिवाली का सीजन था, यानी फेस्टिव सीजन था। फेस्टिव सीजन के दौरान इंडिया में काफी कारें बिकती है और लास्ट मंथ ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी बेहतरीन था। लेकिन लास्ट मंथ बहुत सारी ऐसी कारें हैं इंडिया में जिनके सेल्स में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और कुछ कारों के सेल्स में काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है। गिरावट इन द सेंस कुछ कारें नंबर 3 पोजिशन पर थी वो अब लास्ट मंथ नंबर 10 पर जा चुकी है और कुछ कारों की रैंकिंग 15 से सीधा 8 पर आ चुकी है। तो आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे कार रिपोर्ट में। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा बिकी है। यहां पर आपको काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आउट मत कर देना। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो 25th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है टाटा की अल्ट्रोज। टाटा अल्ट्रोज के लास्ट मंथ 4470 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में और यहां पर एक यूनिट का मतलब होता है एक कार। तो यहां पर टाटा अल्ट्रोज 25th पोजीशन पर आ चुकी है और पिछले कुछ महीनों से ये 25th पोजीशन से नीचे जा चुकी थी क्योंकि इसका सेल थोड़ा सा कम होता था और यहाँ पर टाटा अल्ट्रोज ने थोड़ा सा कमबैक किया है। जो 24th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है होंडा की अमेज। अमेज के टोटल 5443 यूनिट बिके हैं अक्टूबर 2022 में। ये भी 24th पोजीशन पर आई है और इसके भी सेल्स में आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। जो 23rd पोजीशन पर कार आई है वो है किया की करेंस। ये एक 7 सीटर एमपीवी कार है। लास्ट मंथ किया करेंस के 5479 यूनिट बिके हैं पूरे इंडियन मार्केट में, लेकिन अगर मैं सेम डेटा को सितंबर 2022 के डेटा से कंपेयर करूं तो किया करेंस के 5233 यूनिट बिके थे सितंबर 2022 में। तो यहां पर स्लाइटली ग्रोथ हुई है किया करेंस के सेल्स में और सितंबर 2022 में किया करेंस की पोजीशन 25th थी, अब यहां पर किया करेंस 23rd पोजीशन पर आ चुकी है। ये कार काफी बेहतरीन है, इसका लुक भी बढ़िया है और इस कार के इंटीरियर में आपको फीचर्स और कंफर्ट अच्छा खासा मिल जाएगा। जो 22nd पोजीशन पर कार आई है जो कि टॉप 10 लिस्ट में होनी ही चाहिए वो है महिंद्रा की XUV 700। ये काफी बेहतरीन कार है, इसका लुक भी बढ़िया है और इस कार ने पूरे ऑटो इंडस्ट्री में तहलका सा मचा रखा है। लेकिन महिंद्रा कंपनी XUV 700 की डिलीवरी टाइम पर नहीं दे पा रही है, उसी वजह से ये कार 22nd पोजीशन पर आ चुकी है। लास्ट मंथ XUV 700 के 5815 यूनिट बिके है पूरे इंडियन मार्केट में, लेकिन सितंबर 2022 में 6063 यूनिट बिके थे और सितंबर के मंथ में भी ये 22nd पोजीशन पर थी और लास्ट मंथ ये 22nd पोजीशन पर आ चुकी है। यहाँ पर लास्ट मंथ इसके सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है, लेकिन इस कार की डिमांड आपको काफी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। जो 21st पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है महिंद्रा की XUV 300, जो कि एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। इस कार के लास्ट मंथ 6282 यूनिट बिके हैं और सितंबर 2022 में 6080 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर XUV 300 के सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ आ चुकी है और यह कार ड्राइविंग की सबसे काफी बेहतरीन है, लेकिन इस कार का इंटीरियर और एक्सटीरियर लुक बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता। जो 20th पोजीशन पर कार आई है वो है टाटा की टियागो और टाटा की टियागो एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है। टियागो के लास्ट मंथ 7187 यूनिट बिके हैं पूरे इंडियन मार्केट में, लेकिन सितंबर 2022 में 6936 यूनिट बिके थे। तो यहां पर टियागो के सेल्स में आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इसका रिसेंटली ईवी मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था। जो 19th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ जो कि टॉप 10 लिस्ट में होनी ही चाहिए वो है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। लास्ट मंथ स्कॉर्पियो के 7438 यूनिट बिके हैं, लेकिन सितंबर के महीने में 9536 यूनिट बिके थे। तो यहां पर आपको काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल जाएगी स्कॉर्पियो के सेल्स में और सितंबर के महीने में स्कॉर्पियो 13th पोजीशन पर आई थी, अब यहां पर 19th पोजीशन पर आ चुकी है। और ये जो डेटा यहां पर मैंने आपको बताया है ये कंबाइंड डेटा था स्कॉर्पियो एन और क्लासिक मॉडल का। स्कॉर्पियो एन या फिर XUV 700, इन दोनों में से आपकी कौन सी फेवरेट कार है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो 18th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है किया की सोनेट। किया सोनेट के 7614 यूनिट बिके हैं, लेकिन सितंबर के महीने में 9291 यूनिट बिके थे। तो किया सोनेट के सेल्स में भी काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है और सितंबर के महीने में ये कार 16th पोजीशन पर आई थी, लेकिन लास्ट मंथ ये 18th पोजीशन पर जा चुकी है। जो 17th पोजीशन पर कार आई है जो कभी टॉप 10 लिस्ट में होती थी वो है हुंडई की i20। जब से i20 का न्यू जनरेशन मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है
तब से इस कार का सेल काफी ज्यादा नीचे जा चुका है। i20 के लास्ट मंथ 7,814 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन सितंबर के महीने में 7,275 यूनिट बिके थे और सितंबर के महीने में ये 19th पोजीशन पर थी और यहाँ पर 17th पोजीशन पर आ चुकी है अक्टूबर 2022 में। जो 16th पोजीशन पर कार आई है जिसको रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है वो है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। लास्ट मंथ ग्रैंड विटारा के 8,052 यूनिट बिके हैं, लेकिन सितंबर 2022 में 4,769 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर ग्रैंड विटारा का सेल डबल हो चुका है और ग्रैंड विटारा ने पूरे ऑटो इंडस्ट्री में तहलका सा मचा रखा है। इस कार के अंदर आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिल जाएगा, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ भी ग्रैंड विटारा आ जाती है। इसके बेस मॉडल का और टॉप मॉडल का एक डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने करा है, उसकी लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो वीडियोस भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। जो 15th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है महिंद्रा की बोलेरो। बोलेरो के लास्ट मंथ 8,772 यूनिट बिके हैं, लेकिन सितंबर 2022 में 8,108 यूनिट बिके थे। तो लास्ट मंथ बोलेरो के सेल्स में आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लगभग 600 यूनिट थोड़े से ज्यादा बिके हैं एज कम्पेयर टू सितंबर 2022। जो 14th पोजीशन पर कार आई है वो है हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस। i10 नियोस के 8,855 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन सितंबर 2022 में 9,459 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर स्लाइटली गिरावट आ चुकी है i10 नियोस के सेल्स रिपोर्ट में। जो 13th पोजीशन पर कार आई है जो कभी टॉप 5 लिस्ट में आती थी वो है मारुति सुजुकी की ईको। इस कार को इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, बहुत सारे लोग इस कार को एज अ कैब के तौर पर यूज करते हैं और इस कार के अंदर आपको सीएनजी किट भी मिल जाएगा। ये 5 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ अवेलेबल है और लास्ट मंथ ईको के 8,861 यूनिट बिके हैं पूरे इंडियन मार्केट में, लेकिन सितंबर 2022 में इस कार की पोजीशन 7th थी और सितंबर के महीने में इस कार के 12,697 यूनिट बिके थे। तो लास्ट मंथ ईको के सेल्स में काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है और इसकी पोजीशन 13th पर जा चुकी है। जो 12th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है हुंडई की वेन्यू। हुंडई वेन्यू के लास्ट मंथ 9,585 यूनिट बिके हैं, लेकिन सितंबर 2022 में 11,033 यूनिट बिके थे। तो हुंडई वेन्यू के भी सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है और इस कार की पोजीशन 10th से सीधे 12th पर जा चुकी है। जो 11th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है किया की सेल्टोस, और सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जिसके एक्सटीरियर में और इंटीरियर में काफी बड़े बड़े चेंजेस करे गए हैं। जैसे ही सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। लेकिन सेल्टोस के लास्ट मंथ 9,777 यूनिट बिके हैं और सितंबर के महीने में 11,000 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर सेल्टोस के भी सेल्स में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो 10th पोजीशन पर कार आई है जिसके सेल्स में काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है वो है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है और जैसे ही इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था उसके बाद से इस कार के सेल्स में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई थी, लेकिन लास्ट मंथ इस कार के सेल्स में काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है। पिछले महीने ब्रेजा के 9,941 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडियन मार्केट में, लेकिन सितंबर के महीने में 15,445 यूनिट्स बिके थे। तो लास्ट मंथ ब्रेजा के लगभग 5,500 यूनिट कम बिके हैं एज कम्पेयर टू सितंबर 2022, लेकिन सितंबर के महीने में ब्रेजा 4th पोजीशन पर आई थी और लास्ट मंथ ब्रेजा आई है 10th पोजीशन पर। तो यहाँ पर ब्रेजा के सेल्स में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसके कम सेल्स के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है वो है इसके ऊपर वेटिंग पीरियड। हालांकि इस कार की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और शायद मारुति सुजुकी इस कार की डिलीवरीज टाइम पर नहीं दे पा रही है। मेरे हिसाब से इस कार के ऊपर आपको लगभग 3 से 6 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा और इस कार की डिमांड उतनी ही बढ़ी है जिस तरह से स्कॉर्पियो एन और XUV700 की डिमांड इंडिया में बढ़ चुकी है। लेकिन जो 9th पोजीशन पर कार आई है जो सितंबर के महीने में 15th पोजीशन पर थी लेकिन लास्ट मंथ वो 9th पोजीशन पर आ चुकी है वो है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। लास्ट मंथ अर्टिगा के 10,494 यूनिट बिके हैं, लेकिन सितंबर 2022 में 9,299 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर अर्टिगा की पोजीशन 9th पर आ चुकी है और इसके सेल्स में आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। जो 8th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ जो कि काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है वो है टाटा की पंच। टाटा पंच एक माइक्रो एसयूवी कार है, इस कार की भी डिमांड आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ टाटा पंच के 10,982 यूनिट बिके हैं पूरे इंडियन मार्केट में, लेकिन सितंबर के महीने में 12,251 यूनिट बिके थे और सितंबर के महीने में इसकी पोजीशन 8 ही थी।
तो यहाँ पर टाटा पंच के सेल्स में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी। जो 7th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है हुंडई की क्रेटा। क्रेटा के टोटल 11,880 यूनिट बिके हैं अक्टूबर 2022 में, लेकिन सितंबर के महीने में यह 6th पोजीशन पर थी, अब 7th पोजीशन पर आ चुकी है और सितंबर के महीने में क्रेटा के 12,886 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर भी आपको हुंडई क्रेटा के सेल्स में गिरावट देखने को मिल जाएगी और हुंडई की क्रेटा अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकती है। क्रेटा के बाद सेल्टोस आती है, उसके बाद टाइगुन कुशक एस्टर आ जाती है, लेकिन टॉप 25 लिस्ट के अंदर आपको सिर्फ हुंडई की क्रेटा और किया के सेल्टोस देखने को मिल जाएगी। और अब ग्रैंड विटारा भी इस लिस्ट के अंदर आ चुकी है, शायद अगले कुछ महीनों में ग्रैंड विटारा टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह हासिल कर सकती है आराम से, क्योंकि उसके सेल्स में काफी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है और लास्ट मंथ उसके 8,000 से भी ज्यादा यूनिट बिक चुके हैं पूरे इंडियन मार्केट में। जो 6th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है मारुति सुजुकी की डिजायर। डिजायर के टोटल 12,321 यूनिट बिके हैं, लेकिन सितंबर के महीने में 9,601 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर डिजायर के सेल्स में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और सितंबर के महीने में इस कार की पोजीशन 12 थी, अब ये 6th पोजीशन पर आ चुकी है। जो 5th पोजीशन पर कार आ चुकी है वो है टाटा की नेक्सॉन। यहाँ पर टाटा नेक्सॉन ने ब्रेजा को काफी बढ़िया तरीके से मात दे दी है, क्योंकि सितंबर के महीने में ब्रेजा 4th पोजीशन पर थी और टाटा की नेक्सॉन 5th पोजीशन पर आई थी, लेकिन टाटा नेक्सॉन ने अपनी जगह बरकरार रखी है। यहाँ पर टाटा नेक्सॉन 5th पोजीशन पर आ चुकी है लास्ट मंथ और टाटा नेक्सॉन के 13,767 यूनिट बिके हैं अक्टूबर 2022 में, लेकिन सितंबर के महीने में नेक्सॉन का सेल था 14,518 यूनिट और इसकी पोजीशन लगभग सेम ही थी। तो यहाँ पर आपको स्लाइटली गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस कार को आज भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। जो 4th पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की बलेनो। बलेनो के पिछले महीने 17,149 यूनिट बिके हैं, लेकिन सितंबर 2022 में 19,369 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर बलेनो के सेल्स में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी और ये 3rd पोजीशन से 4th पोजीशन पर आ चुकी है। जो 3rd पोजीशन पर कार आई है वो सितंबर में 9th पोजीशन पर थी, लेकिन अक्टूबर के महीने में ये 3rd पोजीशन पर आ चुकी है, वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। स्विफ्ट के सेल्स में काफी बड़ी ग्रोथ हो चुकी है। लास्ट मंथ स्विफ्ट के 17,231 यूनिट बिके हैं, लेकिन सितंबर के महीने में 11,988 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर काफी बड़ी छलांग मारी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने और इस कार के लगभग 5,000 यूनिट ज्यादा बिके हैं अक्टूबर 2022 में। वैगनर के लास्ट मंथ 17,945 यूनिट बिके हैं, लेकिन सितंबर के महीने में इस कार के 20,078 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर वैगनर के सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है, लेकिन इस कार की पोजीशन आपको सेकेंड ही देखने को मिलने वाली है। जो 1st पोजीशन पर कार आ चुकी है वो है मारुति सुजुकी की अल्टो। अल्टो के न्यू जनरेशन के लॉन्च से पहले इस कार की पोजीशन 10 के ऊपर जाती थी, कभी 10 के अंदर आ जाती थी, लेकिन जब से इस कार का न्यू जनरेशन मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है तब से अल्टो की सेल्स में काफी बड़ी ग्रोथ हो चुकी है, यानी ये इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है। लास्ट मंथ अल्टो के 21,260 यूनिट बिके थे, लेकिन सितंबर के महीने में 24,844 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर अल्टो के सेल्स में थोड़ी सी गिरावट जा चुकी है, लेकिन ये 1st पोजीशन पर आ चुकी है कार सेल्स रिपोर्ट में। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कार है जिनके सेल्स में आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू सितंबर 2022, लेकिन कुछ कारों के सेल्स में काफी बड़ी ग्रोथ हो चुकी है। तो ये 25 कारें थी जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। इस लिस्ट के अंदर टाटा अल्ट्रोज आ चुकी है, ग्रैंड विटारा आ चुकी है, अमेज आ चुकी है और कुछ कार इस लिस्ट से बाहर जा चुकी है, जैसे कि मारुति सुजुकी की सेलेरियो हो गई, इसके अलावा इग्निस हो गई, ये कारें टॉप 25 लिस्ट से बाहर जा चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।